मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं गुड़की वासियों को महाराज अजर सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँ। प्रदेशवासियों एवं गुड़की वासियों को महाराज अजर सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँ। अग्रसेन जी की जयंती थी, जिन्हें हम अपना परम पूज्य मानते हैं, उनकी जयंती थी। आज उसके उपलक्ष्य में हमने पहले अग्रसेन चौक पर यहाँ पे आरती का कार्यक्रम करा है, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम करने के माध्यम से समाज में एकजुटता की भावना आती है। आज आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कितने युवा साथी हमारे से जुड़े हैं, ये देखने लायक है। तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है हमारे अग्रवाल समाज में, हमारे वैश्य समाज में, और जाना भी चाहिए। और हम समय समय पर मिलके ये नहीं केवल अपने समाज की और समाज के लिए भी जो जो हम कुछ काम कर पाएंगे हम जरूर अवश्य करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी नितिन भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं समाज में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, उस एकजुटता को एक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल जरूरी है। हर समाज अपने अपने अपनी जगह जो जो कार्य कर पाता है वो कार्य करता है, ताकि एक समाज एकजुट हो पाए। हमारे वैश्य समाज में एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष काम क्या है कि सब लोग व्यापारी हैं या सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, तो व्यवस्था के कारण वो लोग सब एकत्रित नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे मेरी फोन पर सबसे बात होती रहती है, पूरा समाज एक साथ है और एक साथ सबके लिए खड़ा होने के लिए तैयार है। समाज के वरिष्ठ नागरिक भी कम दिखाई दे रहे हैं आज आपके कार्यक्रम में? समाज के वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद ही काफी है, उनकी मौजूदगी की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है, वो उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। महाराज अग्रसेन जी की जयंती 3 अक्टूबर की होती है, जिसके कल पहला नवरात्र होने के कारण आज हमने 4 तारीख को महाराज अग्रसेन जयंती बनाई है, जिसमें पूरे समाज के प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें पहले आरती का प्रोग्राम करा गया था, उसके बाद हलवा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को आज के दिन? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे, जितना समाज हमारा संगठित होगा उतना हमारा मजबूत होगा, क्योंकि संगठन में हमारे कहीं ना कहीं मजबूती जो है ढीली हो रही है, जिस वजह से हमें कोई कहीं भी पूछा नहीं जा रहा और कहीं भी हमें किसी भी क्षेत्र में हमें जो है दूर किया जा रहा है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अग्रवाल समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा, जब तक हमें हमारी पूछ नहीं होगी। क्या कारण है समाज में आप कमजोरी देख रहे हैं जिस तरह से बने आप? एकजुटता नहीं है आपस में। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है जी? हम ही लोग हैं। अच्छा, समाज में आप एक हो जाओगे? हाँ, क्यों नहीं, पूरी कोशिश की जाएगी। जितना युवा एकत्रित हो रहा है, जितना युवा समझ रहा है, वो सब एकत्रित होने के लिए ही कोशिश की जा रही है और एकत्रित होकर दिखाएंगे। क्या कारण है होते नहीं हो सारे, हर साल कार्यक्रम हो रहे हैं आपके? सब दिल से एकत्रित है ही, बस ठीक है। समाज के अंदर एकजुटता जो संदेश दिया है, और यहाँ सिर्फ जैन जी हैं या फिर समाज के अन्य लोग हैं, सभी ने एकजुट होकर यहाँ पर आज महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्प करे आरती की गई और प्रसाद भी राहगीरों को दिया गया। सबसे पहले तो महाराज अग्रसेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, ये जो आज कार्यक्रम किया गया, ये लगातार हमारे कार्यक्रम इसी तरह होते रहते हैं हर साल जयंती पर, कभी अग्रवाल सभा में होते हैं, कभी यहाँ पर होते हैं, कभी वहाँ पर, लगातार चले, पूरे देश में चलते आ रहे हैं। तो इसका एक संदेश यही है कि एक हमारा समाज जो है, युवा समाज है, वो एकजुट हो, आगे बढ़े, तरक्कियाँ करे, यही संदेश है हमारा सबका, युवाओं को संदेश है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनमें एक संदेश जाता है, ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने से उनमें एक संदेश जाता है, जागृति होती है आने वाले बच्चों में, जो हमारी नई पीढ़ी है। आज एक संदेश और भी गया कि आप और मुकेश अग्रवाल जी एक मंच पर दिखाई दिए। देखिए, ऐसा है, ये तो एक धार्मिक मंच है, इसमें कोई भाई है या बिना भाई, भाई तो रहेंगे, भाई कभी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, भाई तो हमेशा रहेंगे, वो एक पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है इस कार्यक्रम से। और मैं तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से इस तरह का प्रचार का जो माध्यम है वो मीडिया ही है, मीडिया का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ठीक है, बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शुभकामनाओं के साथ मैं यही चाहूँगा, देखिए कहीं ना कहीं बीच में हम लोगों के बीच में कुछ जागरूकता की कमी रही है, जिससे समाज थोड़ा विघटन हुआ, लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं फिर से नई पीढ़ी को हम अपने साथ जोड़ें और उन लोगों को बताएं कि हमारे अग्रसेन महाराज कौन थे और उनका महत्व क्या है। अच्छा, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या बताया फिर आपने, कैसे बताया कि कौन थे महाराज अग्रसेन? महाराज अग्रसेन हमारे कुल के अग्रज हैं। अच्छा। और हमारे 18 गोत्र उन्हीं से चले हैं और जो है उसी के विषय में हम जो है